अनमोल सागर ज्ञान वाणी। अमीर वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा वो चीजें होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। और एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वह नहीं, लेकिन वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। और घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। और धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वे जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वे जिसने धोखे से धन कमाया हो। और आपने क्या कमाया उस पर कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं और दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है, चल रही तो यहां, रुक गई तो वहां। और दो अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है भाग्य, तीन अक्षर का होता है नसीब, साढ़े तीन अक्षर का होता है किस्मत, पर ये चारों के चारों चार अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। और माँ और पिता के रोल में बस इतना सा फर्क है, माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। दोस्तों ऐसी वीडियो रोजाना मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारा आज का क्वेश्चन है जीके का कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने पर भी दुख होता है और नहीं करने पर भी दुख होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर है शादी यानी विवाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने कीमती टाइम दिया। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।